गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 14.1। फैक्टराइज फैक्टराइज करने के लिए देखिए, आपको मैंने आपको मेरी क्लास में बताया था कि बच्चे कम ऐड होते हैं, इसलिए देखो ये वाला, इसमें 4 है डिजिट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। अब देखो 2 2 के पेयर बना लो, इसका और इसका, इसमें से x कॉमन लिया तो अंदर बचा x, क्योंकि दोनों में x आ रहा है, और इसमें से x कॉमन लिया, एक बाहर निकल गया तो ये सीधा रह गया y। इन दोनों में देखो प्लस 8 कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है x प्लस i, अंदर दोनों में सेम आना चाहिए, और अगर सेम नहीं है तो प्लेस चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा x प्लस 8 और दूसरा हो जाएगा x प्लस y। दोनों ब्रैकेट को एक जगह मिला के लिख दो, जो ब्रैकेट में है ना उनको एक ही बार लिखा जाएगा, और जो बाहर के नंबर है इसको और इसको मिला के लिख दो। ये हो गया आपके फैक्टर। इसी का सेकेंड 15 एक्स वाई माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। अब देखिए आप इसमें अगर हम कॉमन देखते हैं इस वाले पेयर में और इसमें, तो इसमें आपको पता है 3 की टेबल में दोनों नंबर आते हैं, यानी 3 कॉमन ले लिया, और दोनों में x मिल रहा है तो x कॉमन ले लिया। अब इसमें कितना बचा, 3 से 15 डिवाइड कीजिए, 3 5 सा 15, यानी 3 से 15 को भाग दो, 3 5 15, और x बाहर निकल गया, अंदर रह गया y। 3 से 6 डिवाइड करो, यानी 3 के पहाड़े में 6 देखो कितने टाइम्स में आ रहा है, 2 टाइम्स में, और क्या बच रहा है, x बाहर निकल गया। अब इसमें देखो कुछ भी नहीं बच रहा है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 लिखते हैं, 1 लिख देते हैं, और अंदर का डिजिट एज इट इज, तो अंदर सेम हो गया। अब देखो बाहर के दोनों को मिला के कैसे लिखेंगे, 3x प्लस 1, और अंदर के दोनों को 5y माइनस 2, दोनों को एक बार में। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। ध्यान से देखिएगा जरा, ये दोनों पेयर, ये दोनों पेयर, दोनों में x बाहर निकाला तो अंदर बचा a, दोनों में से x बाहर निकल गया और b रह गया। इसमें देखो माइनस, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, y, तो अंदर रह गया a। लेकिन ये ध्यान रखो कि जब हम ब्रैकेट से पहले माइनस आता है बाहर तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, यानी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस हो जाता। फिलहाल यहाँ माइनस है और अंदर माइनस है, तो ये माइनस किसे बदल जाएगा, प्लस में, और ये हो जाएगा बी। तो अब देखो एक्स माइनस वाई बाहर वालों को मिला के और अंदर वालों को एक जगह लिख दिया, ए प्लस बी। ये हो गया फैक्टर। क्वेश्चन नंबर इसका 4th है, 15 पी क्यू प्लस 15 प्लस 9 क्यू प्लस 25 पी। अब देखो इनका कॉमन देखें और इनका कॉमन देखें, इन दोनों में कितना आ रहा है, 15 पी क्यू और 15 और 9 क्यू प्लस 25 पी। तो हम एक काम करें, क्योंकि दोनों में है ना कॉमन नहीं मिल रहा है, एक जैसा बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, तो इनको हमें क्या करना है, क्रम में ले लें, क्योंकि अगर हम देखो इसमें 15 लेते तो यहाँ पी क्यू प्लस 1 बचता है और यहाँ आता ही नहीं है 25 का, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले इसको सही ऑर्डर में जमाएंगे, और सही ऑर्डर में जमाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 25 को आगे ले लेते हैं, 25 पी और ये आ जाएगा प्लस 15 पी क्यू। अब इधर ले लेते हैं प्लस 15 और क्या बच गया इधर, 15 प्लस 9 क्यू, ये हमने ले लिया। देखो पहले हमने नंबर ले लिया ये, फिर ले लिया ये 15 पी क्यू, फिर ले लिया हमने 15 और लास्ट में ले लिया ये, हमने इसको सही ऑर्डर में जमा दिया। अब आप देख लिया करो, रफ में करके देख लिया करो, अगर मिस्टेक लग रहा है तो दोबारा करना पड़ेगा, लेकिन हमें करना जरूर है इनको ऑर्डर में जमा के। अब देखो दोनों 5 की टेबल में आ रहा है, 5 जा 15 और दोनों में पी बाहर आ रहा है तो हम कॉमन ले रहे हैं 5 पी, तो 5 टाइम गया पी बच गया,
प्लस फाइव के टेबल में 15, यानी पांच के पहाड़े में 15, पांच थी 15, पी बाहर आ गया तो अंदर रह गया क्यू। इन दोनों में कॉमन देखें तो ये आ रहा है 3 के पहाड़े में, 3 की टेबल में, 3 से 15 डिवाइड करें, 3 का भाग 15 में दे, 3 पंजो 15, प्लस 3 का भाग 3 में दे, 3 दिया 9 और बच गया क्यू। देखो अंदर सेम आ गया, और क्योंकि हमें अगर क्या इसका पेयर सही नहीं था इसलिए हमारे सही आंसर नहीं आ रहा था, इसलिए हमने क्या किया इसको सही क्रम में लगा दिया। तो ये हो गया 5p प्लस 3 और ये हो गया 5 प्लस 3q। क्वेश्चन नंबर 5 में है x माइनस 7 और प्लस 7xy माइनस xyz। अब देखो इसको अगर हम इस तरह से लेते हैं तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 1 आ रहा है, लेकिन अगर इसमें कॉमन लिया जाए तो इसमें बचता है कितना x माइनस 7, लेकिन अगर हम इसमें से कॉमन लेते हैं तो हमारा एक्स वाई कॉमन आ रहा, तो यहाँ पर 7 माइनस जेड, ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे तो आ जाएगा उल्टा, इसको क्रम में जमा दो सही तरीके से, तो ये हो जाएगा, इसको क्रम में जमाया तो हम जेड माइनस एक्स वाई, जेड माइनस 7 प्लस 7 एक्स वाई, ये आपको करके देखना पड़ेगा किस तरीके से पेयर बन सकते हैं। अब देखो इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन ले लो, तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है जेड, तो जेड में ये जेड बाहर निकल गया तो यहाँ रह गया 1 माइनस, इनमें एक्स वाई जेड में से जेड बाहर निकल गया तो अंदर रह गया केवल एक्स वाई, इनमें से कॉमन आ रहा है माइनस 7, तो 7 से 7 डिवाइड किया है, सात के पहाड़े में सात का भाग दे, एक भाग गया। अब मैंने आपको पहले बताया था ब्रैकेट से अगर माइनस का निशान लग जाए, साइन चिन्ह लग जाए तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्लस है तो ये किसे बदल जाएगा माइनस में, 7 पूरा बाहर आ गया, अंदर रह गया एक्स वाई। अब क्या रह गया, बाहर वालों को दोनों को जोड़ के लिख दो एक्स माइनस 7 और अंदर वाला सेम है इसीलिए एक बार लिखा जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। ये हो गया आपकी एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5। एक और देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14.2 का, ओनली वन क्वेश्चन बता दूं जो कि अपन फिर नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे जिससे आप करने की कोशिश करें। 14.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। तो आप देखो इसमें 3 डिजिट वाला है और कोई भी तीनों में कॉमन नहीं मिल रहा, तो इसके फैक्टर करने के लिए क्या करते हैं, कांस्टेंट यानी स्थिरांक। स्थिरांक कैसे होता है, जैसे ये है 5a, तो ये a का कांस्टेंट यानी a का स्थिरांक क्या होगा, नंबर जो होता है वो स्थिरांक होता है यानी कांस्टेंट होता है 5, तो a की कोफिशिएंट जिसे बोलते हैं कोफिशिएंट, तो a का कोफिशिएंट कितना हो गया 5। तो यहाँ पे a स्क्वायर का जो लास्ट का नंबर होता है ना बिना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको जो स्क्वायर वाला होता है उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया जाता है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ लगते हैं 1, तो 16 को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 16 के ही और टुकड़े देखो किस किस के टेबल में 16 आ सकता है, जैसे 2 8 16, 2 16, इसके अलावा 3 में नहीं आता लेकिन 4 4 16, इसके अलावा 8 की टेबल में आता तो ये थी, ये उल्टा हो जाएगा 8 2 16 और 16 1 16, यही है बस, इन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई करके केवल यही नंबर है जिनको आपस में गुणा करके हम 16 ला सकते हैं। अब हमने ये तो ला दिया 16, लेकिन अब हमें देखना है कि ये जो टुकड़े है ना इनको प्लस या माइनस करने पर 8 आए, तो जरा देखो 16 में अगर 1 प्लस करेंगे तो 17 होगा, लेकिन 16 में अगर 1 माइनस करते हैं तो 15 आता है, 15 आता है, नहीं आ रहा 8, 8 में 2 प्लस करेंगे तो 10 आ रहा है, नहीं आ रहा, और 8 में 2 माइनस करते हैं तो आता है 6, हमें चाहिए 8, नहीं आ रहा, 4 और 4 दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, तो इसका मतलब है हमारा 8 टुकड़े क्या होने चाहिए 4 और 4, तो हम क्या लिखेंगे ए स्क्वायर, अब प्लस की है ये 8 है तो यानी कि दोनों ही हम 4a प्लस 4a, इन दोनों को क्या लिखेंगे इसकी जगह पे 4a प्लस 4a, दोनों टुकड़े मिले ना हमें और आगे का नंबर 16 ऐसे कैसे लिख दिया। अब जैसे कॉमन लेते आए हो वैसे कॉमन ले लो, जैसे इसमें कॉमन क्या लेते हैं अपन a, तो ये हो जाएगा a प्लस 4, इसमें कॉमन अपन क्या लेंगे 4 के पहाड़े में दोनों संख्या आ गई तो यानी 4 यानी 4, तो अंदर क्या रह जाएगा a प्लस 4 से 16 डिवाइड करो 4 के पहाड़े में 16,
तो चार चौक 16 यानी 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है फर्स्ट, इसके क्या बन गया फैक्टर, बाहर वालों को मिलाया तो a प्लस 4 और अंदर भी कितना आ रहा है a प्लस 4। ये हो गया आपका एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का a, और बाकी के आपको खुद के करके देखिएगा, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में सेंड कर दूंगी। थैंक यू।